दोस्तों, अपने हेवन ऑफ द वर्ल्ड या दुनिया में स्वर्ग जैसी ऐसी बहुत सी जगह के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने द गेट्स ऑफ हेल मतलब नरक के दरवाजे के बारे में सुना है? जी हाँ, दुनिया में कई ऐसी जगह मौजूद हैं जिन्हें अजूबों की श्रेणी में रखा जाता है। तुर्कमेनिस्तान में भी एक ऐसी ही जगह मौजूद है जिसे नरक का दरवाजा कहा जाता है। ये असल में एक गड्ढा है जिसमें पिछले 45 सालों से लगातार आग जल रही है। ये डोर टू हेल राजधानी अशकवस से 260 किलोमीटर उत्तर में काराकुम रेगिस्तान के दरवेज गांव में मौजूद है। हालांकि वक्त के साथ साथ ये जगह अब टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। ये तुर्कमेनिस्तान का रेगिस्तान है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार भी माना जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस पूरे रेगिस्तान में जगह जगह गैस का रिजर्व होता रहता है। यहाँ मौजूद मीथेन गैस के विशाल भंडार को इस्तेमाल करने के लिए 1971 में सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने यहाँ ड्रिलिंग की थी। ज्यादा से ज्यादा गैस निकलकर जमा करने की होड़ में एक दिन यहाँ विस्फोट हुआ जिससे बड़ा क्रेटर बना, साथ ही जहरीले गैस का रिजर्व शुरू हो गया। इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ था। रूसी वैज्ञानिकों ने हादसे के बाद मीथेन गैस को वायुमंडल में फैलने से रोकने के लिए आग लगा दी थी। उसी समय से ये आग लगातार जल रही है। जिस गड्ढे में आग जल रही है वो 229 फीट चौड़ा है और इसकी गहराई तकरीबन 65 फीट है। इस रेगिस्तान में उठती आग की लपटों को दरवेज गांव से भी देखा जा सकता है। कनाडा के रहने वाले जॉर्ज कोरोनिस वो पहले शख्स है जो काराकुम रेगिस्तान में जल रहे इस गड्ढे में उतर चुके हैं। जॉर्ज ने इस क्रेटर में अपनी यात्रा की तस्वीरें हाल ही में जारी की थी। उन्होंने कहा था कि 1000 सेल्सियस तापमान पर जल रहे 100 फीट गहरे क्रेटर की सतह में जाने का अनुभव लाजवाब रहा। गौरतलब है कि तुर्कमेनिस्तान का 70% एरिया रेगिस्तानी है। पूरा तुर्कमेनिस्तान 5 राज्यों में बटा है और इसका दूसरा सबसे बड़ा राज्य अहल वलायत है जो पूरा ही रेगिस्तान है। यहाँ पर पूरे तुर्कमेनिस्तान की सिर्फ 14% आबादी ही रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हिस्ट्री ऑफ दुनिया को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।